चतरा में भाकपा माओवादी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोली चली है। सुरक्षा बलों की ओर से अभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगने की सूचना है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। प्रतापपुर थाना इलाके के चतरा पलामू सीमा पर स्थित बिरमाठकुम जंगल में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का जवान चित्रंजन कुमार घायल हो गया। घायल जवान चित्रंजन कुमार को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ में जवान चित्रंजन कुमार के पैर और कमर में गोली लगी है और मुठभेड़ स्थल पर एसपी राकेश रंजन दलबल के साथ पहुंचे। सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार और एसडीपीओ अविनाश कुमार भी मौके पर पहुंच गए। मुठभेड़ में शामिल सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार और थाना प्रभारी विनोद कुमार से मुठभेड़ की जानकारी ली गई। आपको यह भी बता दें कि सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर फरार हो गए। जंगल की घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। को सत्यापित करते हुए सीआरपीएफ की एक टीम और जिला पुलिस की एक टीम वहाँ पे सर्च अभियान और उसको जो है इनकाउंटर करने के लिए वहाँ गई हुई थी। वहाँ पे गए तो वहाँ पे बड़े सारे कैंप उसके वहाँ पे थे, उसको उन्होंने ध्वस्त किया। उसी क्रम में दोनों तरफ से गोलियाँ चली हैं। उस गोली में एक हमारे जो सीआरपी के जवान हैं उनके पैर में गोली लगी है और उनके हिप में गोली लगी है। स्टेबल है कंडीशन, वो अभी रांची के लिए उनको हम लोगों ने शिफ्ट करवा दिया है।